हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020, बिहार वन रक्षक 2020, आज हम इस वीडियो में इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम देखने वाले हैं, सिलेबस पर बात करने वाले हैं। आप लोग की तरफ से बार बार कमेंट आ रहा था कि सर इसका सिलेबस समझा दीजिए और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ये भी बता दीजिए। क्या सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा है। ठीक, तो कल ही से ये कमेंट आ रहा था तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछता है या बाहर से क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिलेबस आप देख भी सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं तो ये वाला देखिए, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट जब जाइएगा सीएसबीसी, जो कि आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल है, इसके जो ये सिलेबस वाला सेक्शन पर जाइएगा, ये वाला देखिए यहां पर जो जहां हम कर्सर घुमा रहे हैं वहां पर जाइएगा तो वो आपको सिलेबस वाला टैब खुल कर आ जाएगा। उसमें फॉरेस्ट गार्ड का देखिएगा 01/2019 से आपको होगा, वही आपका सिलेबस है, पहले वाला ही सिलेबस है, वो डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये किसके अंतर्गत आया है, तो ये 03/2020 के अंतर्गत आया है। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है ये 484 है। इसमें यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं लेवल 3 का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। जॉब में रहते हुए आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं ये फॉर्म, और ये लास्ट डेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, आपको 4/9/2020 तक है। ठीक, अब यहाँ इसका जो मुख्य बातें हैं वो आपको जानना जरूरी है। जो ये इंटरमीडिएट है, इसका जो परीक्षा का स्तर है इंटरमीडिएट है, और फॉर्म भी वही लोग डाल सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट किए हुए हैं, 10+2 किए हुए हैं। ठीक, अगर आप परीक्षा में प्रश्नों की संख्या देखिएगा तो ये 100 प्रश्न होते हैं जो कि 4 भाग में डिवाइड होते हैं, और प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, और निगेटिव मार्क्स भी है कि 1/3 है। मीन्स की आपको अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 सही वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसका भी मार्क्स खत्म हो जाएगा। टोटल मिलाकर 400 पूर्णांक का ये होता है, और इसी में कट ऑफ भी बनता है, और टोटल 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ओएमआर सीट भी रंगने का इसी में आपको इंक्लूड है। ठीक, अब इसमें सिलेबस में क्या है ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, ये 01/2019 वाला जो सिलेबस वाला टैब होगा वहाँ से देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर टैब के अंतर्गत देखिए लिखा भी है, दिया हुआ है ये जो मैंने बता रहा हूँ अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि ये 01/2019 वाला ही सिलेबस है, इसकी पिछले साल वाला ही आपका सिलेबस फॉलो करेगा ये। ठीक, लेकिन सीट जो है पिछले साल जो था ये 902 था, इस बार हाफ कर दिया है, 484 कर दिया है, और कभी भी ये दुगना रिजल्ट देता है फिजिकल के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये 5 गुना नहीं देता है। तो चलिए अब इसके हम सिलेबस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने बोला था 100 क्वेश्चन होगा, 400 अंकों का होगा, मैं इसके 1 क्वेश्चन पर 4 अंक होगा, और ये 4 भागों में डिवाइड होगा। 4 भागों में सबसे पहला भाग जो आता है ये आपको 30 प्रश्न आएगा, पहले भाग से आपको क्या आएंगे 30 प्रश्न आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें 120 अंक होंगे, इसके 30 चौके 120 होता है, एक आपको 1 प्रश्न पर 4 अंक है, जिसमें क्या क्या है मैं आपको मुख्यतः बता देता हूँ, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले में आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं, ये आपको देखिए टोटल यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या भी दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6 प्रश्न दिया हुआ है, इससे आएंगे। मीन्स की आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 6 प्रश्न आएंगे जो कि 24 अंक के होंगे, और बकायदा पिछले बार जब एग्जाम हुआ था तो ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था, तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि इधर उधर से क्वेश्चन आता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर इतिहास देखिए, अगर नीचे वाला पॉइंट आते हैं भागवन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास है, यहाँ पर देखिए इतिहास जो भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 6 प्रश्न आते हैं जो कि टोटल 24 अंक के आते हैं। ठीक, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। फिर भूगोल, भूगोल में बिहार और भारत और विश्व की प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल आते हैं, जिसमें बिहार से भी क्वेश्चन रहता है इक्का दुक्का, इस बात को ध्यान में रखिएगा, टोटल मिलाकर 6 प्रश्न रहते हैं, और ये भी आपको 6 चौके में इसके 24 अंक का रहता है। ठीक, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकार संबंधी मुद्दे भी आते हैं। ठीक, तो ये जो भी आते हैं ये भी 6 प्रश्न आते हैं, और ये भी 24 अंक के आते हैं, ये टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, सब आप देख रहे हैं कि सब मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। फिर आपको इकोनॉमिक्स से और सामाजिक विकास से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, गरीबी हटाओ, ये सब जो है यहाँ से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये जो आते हैं ये भी 6 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आपको 24 अंक हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर भाग 1 हम लोग देखें तो इसमें 30 प्रश्न है और 120 अंक आते हैं, और ये भाग 1 जो है ये 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। भाग 1 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आएंगे, भाग 2 में आप इसकी इसकी भाग 2 नहीं पॉइंट 2 में आपको बात कर रहा हूँ, भाग 2 मत सोच लीजिएगा, ये पॉइंट 2 देखिए, देखिए पॉइंट 1 में मैंने फिर से आप कह रहा हूँ कि ये करंट अफेयर हो जाएगा, ये इतिहास से क्वेश्चन हो जाएगा, ये भूगोल से क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको संविधान से क्वेश्चन हो जाएगा, और ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे टोटल मिलाकर ये 5 भाग हो जाते हैं इसकी इसका भाग 1 का। ठीक, ये टोटल 30 क्वेश्चन हुए जो कि पार्ट 1 में आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर इस भाग 2 है, इसमें 25 प्रश्न आते हैं जिसमें से 100 अंक होते हैं, जिसमें ये आपको 25 प्रश्न आएंगे, इसमें 100 अंक होंगे, और यहाँ पर भाग 2 में क्या है, देखिए यहाँ पर भाग 2 में क्या है, आधारभूत संख्यन,
ठीक, इसमें क्या आता है कि रीजनिंग आता है, मैथ आता है आपको, स्टेटिक्स में जो आते हैं मैथ यहाँ पर ये आ जाता है आपको, सांख्यिकी आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 10वें स्तर के सांख्यिकी से क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो पाई ग्राफ हो जाएगा, ये आपको वो जो 10 क्लास में आप सांख्यिकी पढ़े होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योंकि पिछले बार भी आया था, बहुत लोग मैथ में अच्छा क्वेश्चन कर कर आए थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाला टॉपिक से 15 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर 60 अंक हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पर 4 अंक है। फिर तार्किक कौशल और विश्लेषण क्षमता आपको, जैसे कि रीजनिंग, ये दोनों मिलाकर आप बोल सकते हैं, ये रीजनिंग मिलाकर दोनों आपको 10 यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं, जो कि ये भी मिलाकर 40 अंक हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें 3 पॉइंट बन जाता है, ऊपर वाला मैथ और सांख्यिकी से क्वेश्चन आता है, नीचे वाला आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलाकर ये क्वेश्चन देता है। ठीक, तो ये आपको भाग दो में हुआ, जो कि 25 प्रश्न हुआ, और ये 100 अंक का हुआ। फिर भाग तीन देखिए, भाग तीन में क्या है कि यहां पर देखिए साइंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो जिनका साइंस मजबूत होगा ये यहाँ अच्छा कर सकते हैं, साइंस से क्वेश्चन। देखिए ऐसे तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मजबूत रखना होगा, तभी मेरिट बन पाएगा, और इस बार तो और भी हार्ड कट ऑफ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 प्रश्न होगा, जो कि 100 अंक में से एक प्रश्न पर 4 अंक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान से जो होगा, जो कि आपको सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आ जाएंगे, आपको आपको रसायन विज्ञान आ जाएंगे, टोटल मिलाकर ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपको आ जाएगा 20 क्वेश्चन, और ये 80 मार्क्स का आएगा। फिर यहाँ अलग से क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण, परिस्थिति की, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन में। बार बार ये बताता हूँ कि इस समय साइंस में ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर अलग से सिलेबस भी इसका दिया हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना है। मैंने ये क्वेश्चन सभी करा रखा है, पहले का टैब देखिएगा जाकर आप प्ले लिस्ट में, तो सभी मैं करा रखा हूँ। ठीक, पहले से, और बहुत अच्छे लोग यहाँ से तैयारी कर कर गए थे, और बहुत काफ़ी रिजल्ट दिए थे। लगभग आपको मेरे पास उस समय जब लड़की सेलेक्ट हुई थी तो काफ़ी 200 के करीब लड़कियाँ कॉल करके ये बताई थी कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन लोगों के मन में डाउट था कि वो लोग फिजिकल तो कंप्लीट कर ली थी मिस की, जो पटना आपको हुआ था चिड़ियाघर में फिजिकल, उसके बाद ये थे कि सर मेरिट लिस्ट में छट जाएंगे, मेरिट लिस्ट में छट जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को आश्वासन दिलाया था कि देखिए उतना ही लोग आपको हुए ही हैं, मिस के बहुत कम लोग ऐसे भी हुए हैं जो कि फिजिकल नहीं निकाल पाए थे, बहुत ऐसे भी लोग थे, और उतना ही लोग सेलेक्ट ही हो पाए थे, लगभग 800 कुछ लोग सेलेक्ट हो पाए थे, 902 वैकेंसी था, तो उसमें से मेरिट में निकालना कहीं भी पॉसिबल नहीं था। मैंने वहीं उस समय लोग काफ़ी पैनिक में थे, तो मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश किया था और बताया था जो लोग फिजिकल पास हो चुके हैं उनका सभी का रिजल्ट आ जाएगा, और सभी का रिजल्ट आया भी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा भाग में आइएगा, तो चौथा भाग में आपका जो कि सबसे फेवरेट सामान्य हिंदी है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी से देखिए, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है आपको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सब जो है ये समझना, ये हिंदी व्याकरण ये सब, और फिर यहां पर शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, ये सब, यहाँ टोटल मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। और मैंने जब तैयारी कराया था तो बहुत से स्टूडेंट बोले थे कि सर कम से कम तो 20 में हम बनाकर 20 आए हैं, तो 18 तो कम से कम सही होना चाहिए, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट से मैंने मिला भी था कि वो 18 किए थे। तो हिंदी का भी मैं पूरा टोटल कोर्स कराया था उसमें। ठीक, आप देख सकते हैं पहले का प्ले लिस्ट है, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, पहले का प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो ये था, ऐसे मैं पूरा ये तैयारी कराने वाला हूँ। ये आपका टोटल सिलेबस हुआ, टोटल सिलेबस को मैं एक भाग में निचोड़ मैं बताऊँ तो टोटल 100 प्रश्न होंगे, यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे। ठीक, और ये 4 भाग में डिवाइड होंगे, 1, 2, 3, 4, 4 भाग में। एक भाग 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक, फिर आपको 25 क्वेश्चन होगा, फिर 25 क्वेश्चन होगा, और फिर आपको 20 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको ऐसे भाग में डिवाइड होंगे, और अलग अलग सब दिया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पीछे बताया है, सब अलग अलग दिया हुआ है, ये आप टोटल देख सकते हैं सिलेबस। ठीक, पीछे की तरफ आइएगा तो यहाँ से देखिए ये टोटल डिवाइड है, तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 400 अंकों का होता है, और ये आपको अच्छे से तैयारी कर कर जाना है। बाकी रहे बुक की बात, तो मैं एक दो बुक बताऊंगा, बाकी मैं बुक खुद ही लिखा हूँ, वो आप परचेस कर सकते हैं, मैं जल्दी अमेजन पर उसे अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेगा, और जस्ट ये इसी अकॉर्डिंग आपको पूरा आपको मिलेगा, सेट मिलेगा, 30 सेट रहेंगे उसमें, और कुछ क्वेश्चन रहेंगे टॉप टॉप, जो कि बुक बहुत ही जल्दी वो अमेजन पर अपलोड हो जाएगा, जिसे आप परचेस कर सकते हैं। ठीक, अभी नहीं, जब अपलोड होएगा मैं खुद ही बता दूंगा। ये फॉरेस्ट गार्ड है, और इसमें आपको अच्छे से रणनीति से तैयारी करना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड कट ऑफ जाता है, कट ऑफ पर मैं अगला वीडियो तैयार कर जल्द ही आपको ला रहा हूँ, ऑफिशियल कट ऑफ आपको जारी किया गया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने मन लगाकर तैयारी कीजिए। और इसमें काफ़ी वैसे भी लड़के फॉर्म डालते हैं जो कि फिजिकल में थोड़ा कमजोर होते हैं, क्योंकि इसमें पैदल चलना है, और उसका प्रैक्टिस आप 1-2 महीना में पैदल चलकर कर सकते हैं। ठीक, और इसमें पैदल चलने का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे चलना है, इसमें बीच बीच में दौड़ना भी है, धीरे धीरे दौड़ते रहना। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।